फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू तृप्ति प्रेम रेसिपी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चीज़ी स्पिनिच कॉर्न सैंडविच, जो जल्दी से बन जाता है। इट्स वेरी इजी। इसके लिए हमको ब्रेड चाहिए। मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग वो कर सकते हैं। ये मैंने पहले से पालक उबाल ली और साथ में कॉर्न उबाल लिए, उसमें एक चम्मच मेयोनी मिला ली। ये बटर, साथ में चीज़, काली मिर्ची, नमक, दिस इज़ ब्लैक पेपर और ओरिगानो, ये हम इसमें यूज़ करेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बटर लगाएंगे अपने सैंडविच को। आप अच्छे से बटर लगाएं क्योंकि फिर उसमें क्रिस्पीनेस आएगी। यस, हमने बटर लगा दिया। अब हम शुरू करते हैं आगे की तैयारी। अब हम डालेंगे इसमें ओरिगैनो, काली मिर्ची, आप अपने टेस्ट से डालिए, ज़्यादा खाते हैं तीखा तो ज़्यादा डाल लीजिए, एंड सॉल्ट। सॉल्ट का ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमारे चीज़ में भी सॉल्ट होता है और हमने थोड़ा सा मेयोनी के पालक एन उसमें भी डाला है। अब हम डालेंगे इसमें अपना फर्स्ट स्लाइस। चीज़ का स्लाइस, आप ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं बट ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्रीमी होता है ये ज़्यादा। ये हमने रखा। फिर इसके बाद हम अपना पालक और कॉर्न का जो हमने मेयोनीज़ के साथ पेस्ट बनाया है उसको हम डाल देंगे। पालक को आप माइक्रोवेव में ही मैंने किया है और कॉर्न को भी माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए आप करके फिर उसके बाद उसमें 2 चम्मच में 1 चम्मच मेयोनीज़ मिला लें। गाढ़ा पेस्ट बनाएं, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाएं क्योंकि हम चीज़ भी डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा उसमें। आप अच्छे से जितना ज़्यादा भरेंगे उतना अच्छा है। हम ऊपर से फिर से बटर लगाएंगे, थोड़ा क्रिस्पीनेस और आने अच्छे से ऊपर से भी आएगी। अब हम इसको ग्रिलर में ग्रिल करेंगे। आप जिसके पास ग्रिलर नहीं है या टोस्टर नहीं है, जो भी है, तो आप उसके उसमें आप उस केस में आप क्या है, तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। उसको धीरे धीरे सेकिए, बिल्कुल धीमी आंच पे वो बन जाएगा। अब हम इसको, इसकी लाइट ऑन हो गई है, देखिए आप। अब इसकी लाइट बंद होने पर हम खोल के देखेंगे। लीजिए, हमारी लाइट ऑफ हो गई है इसकी, ग्रिलर की। अब हम देखिए, हमारा सैंडविच क्रिस्पी भी हो गया है ऊपर से और हम अब आपको निकाल के दिखाते हैं। लीजिए, अब हमारा बन गया सैंडविच, चीजी स्पिनिच एंड कॉर्न सैंडविच, जो यम्मी यम्मी है। आप लोग इंजॉय कीजिए। तृप्त प्रेम रेसिपीज़ को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।